वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट। मैं राहुल कुमार जो कि आप लोग के लिए लाता हूँ अच्छे अच्छे एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। तो आज के इस वीडियो में मैंने आज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे गए इंग्लिश क्वेश्चन के ग्रामर पोर्शन का काफी एनालिटिक रूप से सॉल्यूशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन संतुष्ट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह से 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए सवालों का मैं हल करता रहूँ। एग्जाम में पूछे जाने के बाद मैं हल करूँ, आप घर में आके मिला लें कि आपका कितना नंबर मार्क्स अबाउट आ सकता है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सेकेंड सिटिंग में पूछे गए 10th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम दे के आए हैं तो फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं ग्रामर पोर्शन का फुल्ली सॉल्यूशन करूँगा। फर्स्ट है इसका पैसिव बनाना है, माई टीचर हैज़ टू टीच मी। तो सबसे पहले क्या है कि आई, ये मी, मी जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई, आई के साथ चूंकि ये हैज है तो इस आई के साथ हैव लगता है। ये मैंने गलती से पहले ये मार दिया था बट इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। आई हैव टू, मैंने ठीक से पढ़ा तो मुझे पता चला, तो आई हैव टू, और उसके बाद यहाँ पे बी होगा, आई हैव टू बी टाउट। यहाँ टू जो होता है उसके बाद टू के बाद बी, बी का इस्तेमाल होता है तभी आप बी थ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई हैव टू बी टाउट बाय माय टीचर, पीछे चला जाएगा माय टीचर, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ए नहीं है सी है। चलिए आइए ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ऑक्सीजन चला जाएगा, आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज, बस इसमें 32 का ए सिंपल था। He had spent many a happy hour. उन्हें उसने बहुत सारा खुशियों भरा पल घंटे व्यतीत किए यहाँ। चलिए तो इसका देखते हैं 33 का बी, many a happy hour, many a happy hour ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर had been spent by him, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेट टू मोहन, इसका हमको इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन करना है। राम सेट टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये ऑर्डर है, तो राम ऑर्डर्ड मोहन, अभी मैंने पिछले सॉल्यूशन में भी कहा था, टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, राम ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, और कुछ नहीं है इसमें, सेट दे दिया है, सेट दे दिया है, डी वन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 35। राधा सेड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, राधा चाहती है कि मैं स्कूल जाऊँ, तो राधा सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन, राधा के अनुसार सी, वांट हमारा भीवन है लेकिन सेड की वजह से ये हो जाएगा वांटेड टू गो टू स्कूल, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, सी सेड आई साउ द फिल्म यस्टरडे, तो सी सेड का सी सेड इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए डैट, आई फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार सब्जेक्ट, सी के अनुसार सी, उसके बाद साव भी टू है यहाँ, तो भी टू बदल जाता है हैड प्लस भी थ्री में, तो आई सी हैड साव का सिन द फिल्म यस्टरडे। तीन तरह के चेंजेज होते हैं, चेंज इन नाउन, सॉरी चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, तो यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। देयर ब्लैंक टू ईयर्स, देखिए देयर जो है इसका अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये हेल्पिंग वर्ब आता है इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, तो देयर ब्लैंक टू ईयर्स इन योर बुक, तो देयर आर टू ईयर्स इन योर बुक, तो डेट मीन्स यहाँ आर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। नो न्यूज, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ न्यूज भी सिंगुलर होता है और उसके बाद नो, नो अभी मैंने पिछले सॉल्यूशन में भी बताया था कि नो जो है जो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो नो न्यूज मतलब कोई भी न्यूज नहीं, तो सिंगुलर इसमें सिंगुलर ओनली इज है, तो डेट मीन्स मैं इज यूज करूंगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो ऐसे भी देखिए बिल्कुल यहाँ पे आर वेयर ये दोनों भी हो सकता था, बट अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो, बट यहाँ पे सिंगुलर है तो सेंस से भी आप ए मार सकते हैं ऐसे भी, और ऐसे तो मैंने ग्रामर बताया है कि इसमें नो न्यूज इज गुड न्यूज। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 39। द कलर ऑफ दीज हाउसेज, अच्छा देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो यहाँ पे द कलर ऑफ दीज हाउसेज है, द कलर ऑफ दीज हाउसेज,
तो यहाँ हो जाएगा द कलर, ये द कलर के अकॉर्डिंग भरवाएगा यहाँ पे कि कलर वाइट है ना, तो कलर वाइट है हाउसेज, इस सब हाउस की बात नहीं कर रहे, तो कलर की बात कर रहा है, कलर अनकाउंटेबल तो ही होगा, द कलर ऑफ दीज हाउसेज इज वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए बस। नॉक्ड डाउन का मतलब होता है दब जाना, चपा जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए बस, वो एक बस द्वारा नॉक्ड डाउन हो गया, दब गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बॉय इज इंटरेस्टेड, सब जानते हैं इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, सो दैट इज इन इज क्लियरली द राइट ऑप्शन, सो दैट 41 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर, पिटी मीन्स होता है दया, सहानुभूति, उसने फेल्ट किया पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए सहानुभूति के लिए, इसलिए फोर। आप इंटरनेट पे इसको चेक करेंगे तो इसमें ऑफ भी देगा, इन भी दे, टू भी देगा, ऑफ भी देगा, बट द सुटेबल ऑप्शन इज फोर। मैंने फोर किया है, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फोर को सही पाया है, तो सो डैट फोर इज द सुटेबल ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी, ऑलरेडी का जो सबसे अच्छा मतलब जो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑलरेडी, पहले से तैयार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिटी, कमिटी का सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई होता है ऑप्शन नंबर ए, जेन्युइन, जेन्युइन यानी कि सत्य, वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन है, यानी कि ऊपर का बी इसका, ए इसका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। इसमें है क्या पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ऑप्शन नंबर सी, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। देखिए मैंने इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाया है, क्यों, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, डेट मीन्स प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए था। तो सबसे पहले इसमें क्या, इसमें तो आर दे दिया तो ये कट गया, ये आर कट गया, तो प्लेइंग इज, इसमें ए नहीं दिया, तो मैंने इसमें ऑप्शन नंबर डी मारा है, ये मेरे अनुसार सुटेबल है और ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है जिसमें हैड लगाया है, तीसरा में हैज है, नहीं होगा कोई भी, नन ऑफ दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। आपकी आवाज़ बहुत, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी, आई saw a dream, सो डैट वीडियो को अंत तक देखते रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं नेक्स्ट भी डालूंगा बहुत सारे। चलिए आइए तो देखते हैं वीडियो को अंत तक। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ये ग्रामर पोर्शन पूछा गया था और उसका सॉल्यूशन किया गया, आगे भी मैं इसी तरह से सॉल्यूशन करता रहूंगा और आप लोगों के लिए लाता रहूंगा बेस्ट एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे ये दो मोटिवेटिव वीडियो जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, डेट शीट मिलते हैं अपने अगले वीडियो।